जवानी बर्बाद हो जा रही है नौजवानों की। यह सरकार जवानी खा रही है, नौजवानों के सपने मार रही है। और देश में 102 से 145 अरबपति हो गए, 4.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। बिहार में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। देश में आधी आबादी मात्र 4,500 के कमाई पर गुजारा कर रही है। बैंक कोई भी आप विभाग उठा लीजिए, 60 से 70% पद खाली पड़े हैं। जब बहाली नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, भर्ती नहीं, तो आरक्षण कहां से? आरक्षण की हत्या हो रहा है बिहार और पूरे देश में। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है, देश में 8% बेरोजगारी दर है और बिहार के गांव में 13.5% और शहरों में 18% बेरोजगारी दर है। 4.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। बिहार में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। देश में आधी आबादी मात्र 4,500 के कमाई पर गुजारा कर रही है। 84% लोगों की आमदनी घट गई और देश में 102 से 145 अरबपति हो गए। बिहार में चाहे वो विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, बैंक कोई भी आप विभाग उठा लीजिए, 60 से 70% पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहे हैं, बहुत शिक्षक की बहाली कर दिए। अरे 3 साल में मात्र 37,000 शिक्षकों की बहाली किए, 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं पूरे बिहार में। नौजवान जवानी बर्बाद हो जा रही है नौजवानों की। यह सरकार जवानी खा रही है, नौजवानों के सपने मार रही है, उम्र बीत जा रहा है। अरे कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर गए थे आंदोलन करने? ये वही बच्चे हैं मजदूर किसानों के, खून पसीनों खेत खलिहानों के, गरीबों के संतान हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, जो प्रोफेसर नहीं बन सकते, वकील जज एसपी डीएम नहीं बन सकते। उन्हीं के बच्चे तो मास्टर बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अस्पतालों में नौकरी करना चाहते हैं, स्टाफ में। और सरकार बहाली नहीं कर रही है। केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया, 8,72,243 पद खाली पड़े हैं। जब बहाली नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, भर्ती नहीं, तो आरक्षण कहां से? आरक्षण की हत्या हो रहा है बिहार और पूरे देश में। और इसलिए हम मांग करते हैं इस सरकार से कि यह नहीं चलेगा कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2014 का बहाली 13,120 का अभी तक लटका के रखे हैं। जो बच्चा फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिए थे, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां नहीं हो रही है, ताने सुन रहे हैं मां बाप के, गांव जवार के। और इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे, और हिम्मत है सरकार को तो रोजगार पर, नौकरी पर स्पेशल सत्र बुला ले, 2 दिन का बहस करा ले बिहार में। और मित्रों शिक्षा की क्या हालत है? नाइन्थ क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पाना जान रहे हैं 60% से ज्यादा, अंग्रेजी का रीडिंग बेल नहीं आता, मिडिल क्लास के बच्चों को जोड़ घटाओ गुणा भागा नहीं आता। अरे कैसे उनका भविष्य बनेगा? स्कूलों में शौचालय कहां है आपके? गरीबों की बेटियां स्कूलों के पीछे जाती है, क्या उनका लाज नहीं? क्या उनका सम्मान नहीं? उनका तो लाज सम्मान है, इस सरकार का कोई लाज सम्मान नहीं है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए,
हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।